नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टोर उपाध्याय। पिछले 3 महीने से ज्यादा वक्त से कुछ प्रदर्शनकारी किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस किसान आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जिसे देश के सच्चे अन्नदाता देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। खासकर कांग्रेस इस किसान आंदोलन का फायदा उठाने की पूरी कोशिशों में लगी हुई है। शायद कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि किसान आंदोलन को खतरनाक बनाकर अपनी बंजर पड़ी सियासी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाया जा सकता है, इसलिए वो तमाम पैंतरे अपनाते हुए जमकर किसानों को भड़का रहे हैं और किसान नेताओं के साथ मंच भी साझा कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश से किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के देवरिया में कांग्रेस पार्टी ने किसान महासम्मेलन का आयोजन किया था, नेताओं और कार्यकर्ताओं का आना जाना था, तभी एक मजेदार तस्वीर देखने को मिली। कुछ कांग्रेसी बैलगाड़ी से इस महासम्मेलन में पहुंचे थे, ये उतरकर नारेबाजी कर ही रहे थे कि बैल ने कांग्रेस नेताओं को भरकर किक मार दी, यानी कि लात मार दी। बैल की किक इतनी जोरदार थी कि कांग्रेस नेता दूर जाकर गिर गए और एक बार को तो वो सन्नाटे में चले गए। दरअसल मामला देवरिया के बैतालपुर का है। 28 फरवरी को बैतालपुर में कांग्रेस का किसान महासम्मेलन था, जहां पर बैलगाड़ी से एक स्थानीय कांग्रेसी नेता पहुंचे थे, तभी बैलगाड़ी का एक बैल बिगड़ गया। बैल को क्या पता कि नारेबाजी करने वाला किसान है या नेता। बैल ने बिना देखे पीछे से लात मार दी और नेताजी धड़ाम से गिर गए। नेता के जमीन पर गिरते ही वहां आसपास चल रहे लोगों ने उन्हें संभाला और उठाया। नेता किसी तरह उठे और फिर आगे बढ़े। इसके बाद उस बैल को भी संभाला गया, जिसने नेता को किक मार दी। इस दौरान कुछ समय के लिए माहौल हंसी और भय वाला बन गया था। बताया गया कि नेता को कई गंभीर चोटें आई हैं। इस महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे थे। तो वह इससे पहले झारखंड से भी ऐसा ही वीडियो सामने आया था, जहां कृषि कानूनों का विरोध कर रहे लोगों के बीच अचानक से दो बैलों ने ऐसी एंट्री मारी कि एक बार को तो प्रदर्शनकारियों के बीच हड़कंप मच गया। तो देखा आपने किस तरह से किसानों का साथी कहे जाने वाले बैल भी अब प्रदर्शनकारियों को रौंद रहे हैं। शायद बैल भी समझ गए हैं कि जो लोग खुद को किसान बताकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।